सुजाता नाम की एक औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज कहने के लिए 30 साल का लड़का था, लेकिन दिमागी तौर पर बिल्कुल ही मासूम और छोटे बच्चे की तरह सोचता था। सूरज जब बहुत छोटा सा था तभी उसका पिता भगवान को प्यारा हो जाता है। तब से लेकर सुजाता ही उसके बेटे की परवरिश करती थी और उसका हर छोटा बड़ा काम खुद ही संभाला करती थी। उनके पास 1 एकड़ जमीन होती थी जिसमें अपनी ताकत से बढ़कर वो मेहनत करती थी। खेत का सारा काम खुद ही संभालती थी। देखते ही देखते सूरज की उम्र 30 साल की हो गई थी। बचपन से अपनी माँ के साथ ही रहता था जिससे माँ जो कुछ भी काम करती थी बड़े ध्यान से देखा करता था। इसी तरह उसको खेती करने का काम पूरी तरह से आ गया था। सुजाता समझती थी कि ये लड़का ठीक से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन सूरज ऐसा नहीं था। जो कुछ भी उसकी माँ कहती थी वो करता था। उनके खेत में जो भी सब्जियाँ उगाया करते थे उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचने वालों को दिया करते थे। सूरज का भोलापन और मासूमियत को देखकर वहाँ सब्जियों को खरीदने वाले उनको बहुत कम ही पैसे दिया करते थे, जिससे एक बार सुजाता बहुत गुस्सा हो जाती है और खुद ही बाजार चली जाती है ताकि सब्जियाँ खरीदने वालों से बात करे। अरे ओ, तुझे क्या लगा कि मेरा बेटा मासूम है? उसको ऐसे गलत सलत सारे हिसाब किताब दिखाओगे और हमें इतने कम पैसे दोगे? ऐसा नहीं चलेगा। अभी के अभी सारा का सारा ये जो पैसे का माजरा है साफ कर दो। जितना पैसा तुमने हमारे पास से अन्याय करके लिया है ना, सारा वापस करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ, आई बड़ी हिसाब किताब मुझे समझाने वाली। अरे तेरे उस पागल बेटे को मैंने सब्जियों का ठीक दाम लगाकर पैसा दिया था। पता नहीं पैसों का उसने क्या इस्तेमाल किया होगा। अब मैं थोड़ी ना देखूंगा कि उसने पैसे क्या किए। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, कैसी कैसी बातें कर रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि बाजार में तुम अकेले ही सब्जियां खरीदने वाले हो क्या? चल बेटा चल सूरज, ऐसे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर सुजाता अपने बेटे सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है। सूरज बहुत बड़ा हो गया था। हमेशा सुजाता यही सोचती थी कि मेरा बेटा भोला जरूर है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और इसकी शादी करनी चाहिए। उसके भोलेपन को देखकर कोई भी अपनी बेटी को सूरज को देने के लिए तैयार नहीं रहता था। जहाँ भी सुजाता अपने खेत की सब्जियाँ या फिर जो वो उगाती थी उनको बेचने के लिए जाती थी, वहाँ अपने बेटे सूरज को भी साथ साथ ही लेकर घूमा करती थी। बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई थी, सूरज और सुजाता का झगड़ा किसी एक व्यापारी से हो गया था। ये बात जानकर कोई भी व्यापारी उनके पास सब्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर सुजाता बहुत घबरा जाती है और खामोश होकर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसका बेटा सूरज अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? माँ मैं जब उन लोगों के पास सब्जी बेचने के लिए जाता था ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था माँ, अपना काम वो खुद कर रहे थे। खेत में वो लोग सब्जियाँ उगाते और खुद का काम खुद ही किया करते थे माँ। मैं भी कल से ऐसा ही करूँगा माँ, हमारी सब्जियाँ मैं खुद जाकर बाजार में बेचूंगा, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। माँ चिंता मत करो। हाय मेरी नजर ना लगे मेरे बेटे को, जुग जुग जी मेरा बच्चा। किसने कहा कि तू भोला है, तेरे पास दिमाग नहीं है? मेरा बच्चा कितना होशियार हो गया है। हाँ बेटा हाँ, जैसा तू कह रहा है ना हम वैसे ही करेंगे। अपने बेटे सूरज की बातें सुनकर सुजाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जैसा उसके बेटे ने कहा था उसने वैसे ही किया भी था। अपने बेटे को एक बंडी देती है और कहती है कि बेटा ठीक है, जैसा तू कह रहा है हम वैसे ही करेंगे। इन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचकर जो पैसे आएंगे उनको लेकर आ जा। और सूरज भी किसी को कोई धोखा नहीं देता था, अपना काम पूरे न्याय के साथ किया करता था। और इधर सुजाता की उम्र भी ज्यादा हो रही थी। सुजाता के मन में बस एक ही बात के लिए चिंता होती थी कि उसका बेटा अभी अकेला है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, अगर उसकी पत्नी रहेगी तो उसके लिए अच्छा होगा। शायद भगवान ने सुजाता की सुन ली थी। उन्हीं के गांव में पुष्पा नाम की एक लड़की रहती थी
जिससे वो अपने बेटे की शादी करवा देती हैं। पुष्पा का घराना इनके घराने से भी बहुत ज्यादा गरीब था, जिससे वो लोग ना ही दहेज लेते हैं और ना ही कुछ लड़की वालों से मांगते हैं। खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे। रोज की तरह सूरज अपनी बंडी पर कुछ सब्जियों को लेकर जाता है और बाजार में बेचने लगता है। टमाटर टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, भाइयों बहनों आओ, 1 किलो टमाटर सिर्फ 20 रुपए में। अरे वाह सूरज, तू तो बड़ी अच्छी कमाई कर रहा है भाई यहाँ पर। मुझे तो लग रहा था कि तेरी माँ भी तेरी जैसी बुद्धू है, लेकिन बहुत ही होशियारी से काम ले रही है। अच्छा खासा कमा रहे हो यहाँ पर। इतनी बात कहकर वो आदमी जितने भी सब्जियां उसकी बंडी पर थी वो सारी की सारी इधर उधर फैला देता है, मतलब कि सारी चीजें बर्बाद कर देता है, जिसको देखकर बेचारा सूरज बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वापस घर आकर अपनी माँ और पत्नी से ये बात बताता है। तभी पुष्पा बहुत गुस्सा हो जाती है और इस तरह से कहती है, अरे माँ जी, ऐसे कैसे उसने मेरे पति पर हाथ उठाया? मैं जरूर उस कमीने के पास जाऊंगी और उसको सबक सिखाऊंगी, वरना ऐसे कैसे वो मार सकता है। अरे नहीं नहीं बहू, वो 1 नंबर का राक्षस है, राक्षस। देखा ना, सारी के सारी सब्जियों का नाश किया उसने, और कमीना अब हमारी जिंदगियों में आ गिरा है, पता नहीं कहां से आया। क्या अब हम अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे? ये सोच सोच कर ही मेरी सांसें रुक रही है बेटा। अरे माँ जी, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। क्या कर लेगा वो इंसान, हाँ हमारे व्यापार को खराब करेगा, और अगर बहुत ही गिरा हुआ इंसान है तो अगर हम किसी दूसरे गांव में व्यापार करेंगे उसको भी खराब करेगा। इसीलिए मेरे पास एक उपाय है माँ जी, हम सब मिलकर वही काम करेंगे, फिर देखना कोई हमारे काम के करीब तक नहीं आ पाएगा। इतनी बात कहकर अपने पति को ये सलाह देती है गांव में नहीं बल्कि शहर में चला जाए और अपना काम वहां जाकर करे। बहू की ये बात सुनकर पहले तो सुजाता बहुत खुश होती है, और अपनी बहू इतनी समझदार और होशियार है ये बात को लेकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है, लेकिन डरती है कि उसका बेटा तो बहुत ही भोला है, गांव में ही उसे कुछ करना नहीं हो रहा है तो वो शहर जाकर क्या करेगा। लेकिन उसकी पत्नी यानी कि पुष्पा जो थी अपने पति का पूरा साथ दिया था, कुछ दिनों के लिए अपने पति के साथ शहर जाया करती थी और सारे काम उसको सिखाया करती थी, और हमारा सूरज भी सब कुछ अच्छे से सीख लेता है। जो कुछ भी उनके गांव में यानी कि उनकी खेत में पिकाया करते थे वो सारी की सारी चीजें एक बस वाले की सहायता से गांव पहुंचाते थे, और उसे बंडी पर रखकर अलग अलग जगहों पे जाकर सूरज बेचने लगा। शहर में इतनी ताजी सब्जियों को देखकर लोग बहुत पसंद करते थे। जैसे ही वो जाता था सारे लोग आते थे और सूरज से सारी की सारी सब्जियां खरीद लेते थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी, जिसको देखकर सूरज बहुत ज्यादा खुश था। एक बार की बात है कि रोज की तरह सूरज अपनी बंडी पर सारी की सारी सब्जियों को लेकर बेचने के लिए इधर उधर जा रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है, 1 किलो टमाटर आप कैसे दे रहे हो? टमाटर टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, भाइयों बहनों आओ, 1 किलो टमाटर सिर्फ 20 रुपए में। साधना, यहाँ क्या कर रही हो? कम लेट्स गो, सुपरमार्केट में अगर हम खरीदेंगे तो हमें फ्रेश सब्जियां भी मिलेंगी और हाइजीनिक भी रहेगा ना। ओ देखो तो बेटा, यहाँ कितनी गंदगी है और कितनी सारी मक्खियां उड़ रही है बेटा। ओफो, चलो यहाँ से जल्दी, ऐसी जगहों में कोई खरीदता है क्या सब्जी? नॉनसेंस। अरे मॉम, वहाँ अगर हम खरीदते हैं तो 1 kg टमाटो 50 रुपीस में मिलते हैं मॉम, ट्रस्ट मी, यहाँ पर प्राइस भी कम है। सी मॉम, कितना फ्रेश है ना। ओफो, तुम कुछ नहीं जानती, बी साइलेंट ओके। पता नहीं ये लोग कैसी कैसी चीजों से
ये सारी वेजिटेबल्स उगाते हैं। स्टोर्स में उसका प्राइस भले ही थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन वहाँ के इंसान देखा कितने साफ सुथरे होते हैं। इस आदमी को तो देखो कितना पसीना आ रहा है। लेट्स गो फ्रॉम हियर। इतनी बात कहकर वो महिला सूरज को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करती है और कहती है कि ऐसी छोटी छोटी बंडियों पर हमारे जैसे लोग सब्जियों को नहीं खरीदना चाहिए। इतनी बात कहकर वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। सूरज बहुत ज्यादा घूमा फिरा करता था, लेकिन जैसे शुरुआत में उसके पास लोग सब्जियां खरीदते थे, अब उसके पास वैसे नहीं खरीदने लगे, क्योंकि दिन ब दिन लोगों की सोच बदलती रहती थी। जैसे पहले उनके पास खरीदा करते थे, वैसे अब वो सुपरमार्केट्स के पास जाकर खरीदने लगे, क्योंकि लोगों को एसी चाहिए होती है और लोगों के कपड़े, उनका रंग ढंग, उनका हालचाल भी बहुत जरूरी होता है, जो कि बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में ही होता है। हमारे जैसे मेहनत करके जीने वालों के पास वो लोग सब्जियां नहीं खरीदते। हमारे कपड़े और हमारा हाल देखकर लोग हमसे कुछ खरीदा करते हैं। ये बात को लेकर सूरज बहुत दुखी होता है। उनकी असल में समस्या ये थी कि वो लोग इस साल भी टमाटर का खेत ही डालते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रहने लगे। लोग तो उनके पास सब्जियां नहीं खरीद रहे थे और इधर टमाटर बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज थी, जिससे सूरज अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसके खेत के टमाटर जल्दी खराब ना हो, ऐसे कुछ काम करता है। फिर कुछ समय गुजरने के बाद उसको ये बात पता चलती है कि अब टमाटर बहुत ज्यादा ही महंगे हो गए हैं। गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी लोग टमाटर खरीदने के लिए लाइन बनाकर खड़े होते हैं, तब जाकर भी उनको बहुत ही मुश्किल से टमाटर मिलते हैं। ये बात सुनकर सूरज की पत्नी पुष्पा जो थी वो बहुत खुश होती है और जो टमाटर का खेत उन लोगों ने डाला था उसके सारे के सारे टमाटर वो अपने पति के पास भेजती है और कहती है कि अच्छे दाम में इन टमाटरों को बेच दे। पहले तो 20 रुपए में बेचा करते थे, जो कि अब 130 रुपए में 1 किलो टमाटर बिक रहे हैं। इसी तरह वो भी करने लगा, जिससे 5 साल से लेकर 6 साल तक का पैसा वो लोग कमा लेते हैं। अब बहुत खुश होकर जीने लगे। इस तरह उनके घर की समस्या और उनके खेत और टमाटर सब्जियों की समस्या भी दूर हो गई थी। सूरज भी बहुत अच्छा लड़का था, किसी को अन्याय नहीं करता था और ना ही किसी को धोखा देता था। हमें चाहिए कि इंसान की मेहनत को देखकर उसको असली दाम दे, ना कि उसके रंग को और ना ही उसके पहने हुए कपड़ों को। अगर ऐसा हम करेंगे तो उनको भी खुशी मिलेगी और भगवान भी हमसे खुश होंगे।